वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो यामा की फ्यूल टैंक यानी कि पेट्रोल टैंक इसके ऊपर होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे कि फ्यूल टैंक कलर करने के पहले की किस तरह से कंडीशन दिखाई दे रही है। स्टिकर भी ख़राब हो चुका है, जगह जगह पर थोड़े बहुत डेंट भी है यहाँ पर आप देखोगे, और कलर भी डल हो चुका है, रस्टी भी कई जगह पर हो चुकी है। दोस्तों इसको कलर करने के बाद किस तरह से दिखाई देती है यह आप देखोगे। न्यू ग्लॉसी लुक, न्यू, इसमें कोई भी आपको डेंट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, जो शाइनी। दोस्तों इस फुल वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, गाइडेंस की है। दोस्तों जो पहले वाली स्टेज होती है वो स्टिकर निकालना होता है। दोस्तों अगर आप भी घर पे ट्राई कर रहे हो कि स्टिकर निकाल के नया वाला स्टिकर लगाने के लिए, तो दोस्तों सिंपली आपको हॉट गन की ज़रूरत होगी। आप हॉट गन से हॉट हिट करोगे तो स्टिकर निकालने में बहुत आसानी होगी, और उसके पीछे जो स्टिक रहा बचा हुआ रहता है उसको सिंपली आप पेट्रोल से भी निकाल सकते हैं। स्टिक निकालते समय यही प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको कि जो कलर है उसको डेंट ना पहुँचे। उसके बाद कस्टमर की डिमांड थी जो लोगो लगाया जाता है बाहर के साइड में जो यामा का, वो लोगो निकालना था उनको प्लेन जो रेडियम में लोगो आता है वो लगाना था, इसलिए हमने उस जगह पे ग्राइंडिंग कर ली ताकि उस जगह के ऊपर हमें बॉडी फिलर मटेरियल फिल करके उस जगह को क्लियर कर सके। उसके बाद वाली स्टेज होती है कि 220 नंबर वाला वाटर पेपर यानी कि सैंडिंग पेपर उसको कहते हैं, उसको लेके जो कलर है पुराना वाला उस एंड रस्ट है उसको टोटली रिमूव कर देने का। दोस्तों रिमूव करने के बाद जो मेन स्टेज आती है वो रेड ऑक्साइड अप्लाई कर देने की। रेड ऑक्साइड बहुत सारे पेंटर क्या करते हैं कि रेड ऑक्साइड अप्लाई कर देना सही नहीं मानते, यानी कि अप्लाई नहीं करते। लेकिन दोस्तों रेड ऑक्साइड अगर आप नहीं अप्लाई करोगे, रेड ऑक्साइड का मेन अप्लाई करने के लिए रीज़न जो होता है वो ये होता है कि वो टैंक को रस्टी होने से बचाता है। इससे आगे जाके आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो जाएगी तब अंदर से रस्ट यानी कि कलर की पपड़ी नहीं बनेगी, इसलिए हमें रेड ऑक्साइड अप्लाई कर देना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद वाली स्टेज होती है कि उसके ऊपर बॉडी फिलर मटेरियल फिल करके उसके ऊपर लैम्बी फिल कर देना और उसके ऊपर सैंडिंग करके फिर कलर कर देना। यहाँ पे आप देखोगे कलर करने की फाइनल स्टेज पे आ गया। कलर करते समय पहले तो यहाँ पे हमने NC कलर यूज़ किया है, 5NC जो कि अपाची का आता है, अपाची बाइक का। उसके बाद दूसरी बार उसके ऊपर दो हाथ मारने पड़ते, कलर के दो हाथ होते हैं, पहले तो सिंपली हल्के हाथ होता है और उसके बाद फिनिशिंग निकालते हैं। उसके बाद वाली स्टेज होती है कि रेडियम अप्लाई कर देना, यानी कि जो नाम होता है गाड़ी का वो अप्लाई कर देना। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे हमने जो रेडियम कट किया है वो रेडियम कटिंग मशीन से किया है, उसके लिए हमने जो रेडियम यूज़ किया है वो फिनाइल का रेडियम यूज़ किया है। दोस्तों फिनाइल का रेडियम एकदम अच्छा होता है और लॉन्ग लाइफ रहता है। दोस्तों इस रेडियम चिपकाने के बाद वाली स्टेज होती है कि उसके ऊपर हम क्लियर कोट अप्लाई कर देते हैं। क्लियर कोट अप्लाई कर देने के लिए हमने नेरोलैक का क्लियर कोट यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि टैंक रेडियम यानी कि नाम प्लेट लगाने के बाद उसके नीचे एक स्ट्रिप थी, ऊपर एक लोगो है और नीचे दो स्ट्रिप है। दोस्तों स्ट्रिप लगाने के बाद गड्डी की टैंक इतनी अच्छी दिखाई देती है कि आप मानो नहीं है, इस तरह से दिखाई देती। दोस्तों आज इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल है
उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन हो गए हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने स्पेशल समझा। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि रेडियम किस तरह से अप्लाई कर दिया जा रहा है। यह जो हमारा साहब है, ये रेडियम लगाने में इतने परफेक्ट है कि इधर का उधर भी नहीं होने देते। अगर आप रेडियम घर पे लगाना चाहते हो तो पहले तो जो फोम होता है यानी कि शैम्पू का वाटर, उसके ऊपर स्प्रे करना होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपको चिपकाना है उसके ऊपर चिपका सकते हो। दोस्तों चिपकाते समय अगर आप शैम्पू का यूज़ करोगे, शैम्पू वाटर का, तो आपको टाइम मिलेगा सेट करने के लिए कि किस जगह पे उसको सेट करना है। अब यानी कि अगर आप शैम्पू का वाटर नहीं यूज़ करेगा तो जैसे ही चिपकाओगे उसी जगह पे वो जो रेडियम है यानी कि वो जो लोगो है वो उसी जगह पे सेट हो जाएगा। इसलिए यानी हाँ दोस्तों, जो बहुत सारे मेरे दोस्त यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लोग आप कलर कौन सा यूज़ करते हो। दोस्तों यहाँ पे हमने एपेची का जो वाइट वाला कलर होता है, एंड कलर बनाने के लिए हमें स्पेशली कलर की दुकान में जाना पड़ता है, और उसके ऊपर जो एपेची का वाइट का आप दुकानदार को बोलोगे कि एपेची का वाइट कलर का हमें कलर कोड चाहिए बनाने के लिए, तो बना के आपको देगा। उसका कोड रहता है स्पेसिफिक। दोस्तों उसके बाद वाली स्टेज होती है कि उसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई कर देना। दोस्तों क्लियर कोट अप्लाई कर देने के बाद आप टंकी देखोगे, मानो कि न्यू एंड शाइनी। पहली फिनिशिंग तो मैट वाली थी, उसके बाद ग्लॉसी कर दी हमने, ग्लॉसी कोटिंग मार दी। दोस्तों किस तरह से मारी ये देख सकते हो। जो व्हाइट वाला कलर है वो एनसी वाला यूज़ किया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो व्हाइट वाला कलर यूज़ किया है वो एनसी था, उसके ऊपर हमने क्लियर कोट अप्लाई कर दिया जो कि नेरोलैक कंपनी का था। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आप फाइनल फिनिशिंग देखोगे किस तरह से आई है। RX 100 लाइकर वेलकम बैक दोस्तों।